बीएचटीसी कट ऑफ के महासर्वे की इस पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। तो साथियों, पार्ट फर्स्ट तक हमने काफ़ी साथियों की राय कमेंट्स को शामिल किया, जिसमें आपके द्वारा यह जाना भी गया कि अब के बार बीएचटीसी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और प्रत्येक परीक्षार्थियों के अपने प्राप्त अंकों के विषय में क्या राय है। साथियों, प्रत्येक छात्रों के, प्रत्येक परीक्षार्थियों के उम्मीद से लगभग 20 अंक अब के बार कम आए हैं और उम्मीद है कि कट ऑफ की संभावना भी लगभग 20 मार्क्स कम रहने वाली है। तो आज इस पार्ट सेकंड में हम देखते हैं हमारे छूटे हुए कुछ और साथियों की कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है सुरेश माली जी की तरफ से। सर, 342 ओबीसी। सुरेश जी, ओबीसी में 342 पर कोई चांस नहीं है। रामचंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं संस्कृत की कट ऑफ क्या रहेगी। संस्कृत की कट ऑफ के विषय में सर आपको बता दें, संस्कृत की कट ऑफ लगभग, यदि आपके जनरल में नंबर नहीं आता है तो इससे लगभग 20-25 मार्क्स तक भी कम हो जाती है। इसके लिए आप अभी थोड़ा और इंतज़ार करें। जे जे स्टडी लाइन। जीवन राम जी जोधपुर से 399 ओबीसी। 100% सर आपको कॉलेज मिल जाएगा आपका अपना पसंदीदा। आप अपनी चॉइस के कॉलेज रख दीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट का चॉइस का कॉलेज आपको मिलेगा। अगली कमेंट है धीरज सिंह जी की तरफ से। जनरल से हूँ सर, 413 नंबर, 100% कॉलेज मिलेगा, चांसेज है होम डिस्ट्रिक्ट की डाइट भी मिल जाए। सत्यनारायण धाकड़ जी की तरफ से अगली कमेंट आ रही है। सत्यनारायण जी पूछ रहे हैं सर, मेरे 412 मार्क्स हैं अनुमानित पर, लेकिन 392 मार्क्स आए हैं। तो साथियों, हम पहले ही कह चुके हैं लगभग 20 मार्क्स का डिफरेंस है और यही चीज़ दिखाने के लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक साथियों की कमेंट आ रही है कि क्या सर हम अपनी ओएमआर शीट दोबारा चेक कराएं, मेरे इतने अनुमानित अंक थे और इतने आ रहे हैं। तो साथियों, ये प्रत्येक साथियों की प्रॉब्लम है, इसलिए निश्चिंत रहिए, 20 मार्क्स तो कट ऑफ कम रहने वाली है ही। फिर भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं ओबीसी में, यदि हैं तो आपको 100% कॉलेज मिलेगा, निश्चिंत रहिए, निकटतम कॉलेज मिलेगा। शबनम खान, 362 कोई चांस है क्या फीमेल ओबीसी। फीमेल यदि ओबीसी हैं 362 में, डेडलाइन से थोड़ा नीचे हैं, फिर भी काउंसलिंग कराइए, अब की बार उम्मीद है हो भी जाए, ऑल राजस्थान ऑप्शन रखना है। नवल राम मीना जी, 45% वालों का क्या चांस है। 45% में सर आपको बता दें, आपके पासिंग मार्क्स ही 45% हैं, जनरल वालों का 50% और ओबीसी वालों के लिए 45%, तो पासिंग मार्क्स पे तो होने वाला है नहीं, इसलिए आप शायद बीएचटीसी से उम्मीद कम ही रखें। अगली जो हमारी कमेंट आ रही है वो हमारे साथी हैं रमेश मीना जी, इनकी तरफ से रोल नंबर दिए गए हैं। तो रमेश जी, यदि आप अभी भी रिजल्ट नहीं देख पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका रिजल्ट भी पहुंचा दिया जाएगा। रविंद्र चौधरी जी कट ऑफ के विषय में पूछ रहे हैं। रविंद्र जी, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है, फिर भी आपको बता दें, जनरल की 400, ईडब्ल्यूएस 390, ओबीसी 390, एमबीसी 380, एससी 370 और एसटी लगभग 360 का आपके भर कट ऑफ जाने का अनुमान है। नेक्स्ट हमारी कैम दलवीर सिंह जी, ठाकुरदास मवाई जी और प्रिया शर्मा, ये सभी अपने रोल नंबर दे रहे हैं और ये अपने रिजल्ट को पूछना चाहते हैं। ये यदि साथी अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं तो कमेंट करके बताइए, इनके रिजल्ट को भी पहुंचाया जाएगा। एग्जाम पॉइंट की तरफ से 378 नंबर पे कोई चांस। सर, 378 केवल और केवल यदि आप एससी या एसटी से हैं तो ही चांस हैं, फिर भी ओबीसी में भी आपके चांस बन रहे हैं, काउंसलिंग ज़रूर करवानी है, ऑल राजस्थान ऑप्शन रखना है। प्रिंस प्रोहित रोल नंबर बताए गए इनके द्वारा भी। अगली कमेंट है भीमसेन जी की तरफ से, 300 नंबर। भीम जी, 300 मार्क्स पे कोई चांस नहीं है, आपको काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है। सिमरन परिहार जी पूछ रही हैं, सर 334 मार्क्स वाईएससी कोई चांस नहीं है, सर आपको बिल्कुल काउंसलिंग नहीं करानी है। लीला भारती ये रिजल्ट के विषय में पूछ रही हैं। आस्था चौधरी ये अपने रोल नंबर दे रहे रिजल्ट के लिए। वीरेंद्र सिंह जी, 312 नंबर, काउंसलिंग के बाद नज़दीक की कॉलेज मिलेगी क्या।
इनको ये पीटीटी से रिलेटेड है, बिल्कुल 100% आपको नज़दीकी कॉलेज मिलेगी सर। नेक्स्ट हमारी कमेंट है जन टीवी रायपुर मुकेश शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं सर मेरे पुत्र के 343 मार्क्स ओबीसी से, सर कोई चांस नहीं है, फिर भी आपको लगता है कट ऑफ पॉइंट से नीचे वाले जितने भी साथी वो अच्छी तरह सुन लें, यदि आपके कट ऑफ से लगभग 10-20 डाउन है अनुमानित तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए, ऑल राजस्थान ऑप्शन रख लीजिए यदि आप बीएसटीसी करना ही चाहते हैं तो, क्योंकि कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अन्यथा 200 रुपये लेस होकर के आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है 329 पे ओबीसी मेल, सर कोई चांस नहीं है भले ही आप काउंसलिंग ना कराएं। बाल किशन माली जी 414 नंबर ओबीसी 100% डाइट मिलेगी सर आपको, काउंसलिंग करवाइए। गोविंद कटारा जी, सर ये बहुत धोखा हुआ है, बिल्कुल गोविंद जी ये सभी साथियों की प्रॉब्लम है और कट ऑफ भी इतनी डाउन जाने वाली है, आप चिंता ना करें। पंकज जाट जी की तरफ से कमेंट की गई है कि सर 402 ओबीसी फर्स्ट चॉइस 100% मिलेगी सर आपको, कोई इन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी दिए, तो पंकज जी आपको 100% कॉलेज मिलेगा, निश्चिंत रहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। भैरव सिंह जी एसटी 240, सर बिल्कुल काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। संदीप कुमार जी यदि अभी तक भी रिजल्ट नहीं देखा है तो रोल नंबर फिर से कमेंट कर दीजिए, आज ज़रूर आपका रिजल्ट बताया जाएगा। साथियों थोड़ा सा आपसे निवेदन है, कमेंट इतने हो जाते हैं कि प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाता है, आप नाराज़ नहीं हो, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ मैं आपकी प्रत्येक कमेंट को रीड करता हूँ, कल भी बहुत से साथियों के मैंने सर्वर डाउन था फिर भी रिजल्ट निकाल के पहुँचवाया था, जिन साथियों के फ़ोन कॉल्स आए थे उनके रिजल्ट को भी निकाला गया था। साथियों आप नाराज़ बिल्कुल नहीं होंगे, मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूँ कि आपके प्रत्येक कमेंट को शामिल किया जाए। महेश चंद्र जी 355, सर 355 जनरल कैटेगरी कोई चांस नहीं है। गुरतेज सिंह जी 259, बिल्कुल काउंसलिंग नहीं करानी गुरतेज सिंह जी। संगीता प्रजापत 290, बिल्कुल कोई काउंसलिंग नहीं करानी आपको भी। शुगना राम सियाग 369 ओबीसी, बिल्कुल काउंसलिंग करानी है सर, चांस है किस्मत अच्छी हो आपको कॉलेज मिल जाए, वरना कट ऑफ तो आपकी लगभग 390 रहने वाली है। शिल्पा जी पूछ रही हैं 303 एससी फीमेल, चांस बिल्कुल कम है लेकिन फिर भी काउंसलिंग करवा लीजिए, ऑल और राजस्थान ऑप्शन रख लीजिए। ओम प्रकाश मेघ जी पूछ रहे हैं, मेघवाल जी सर 370 100% कॉलेज मिलेगा आपको, नज़दीक कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग कराइए। 382 ओबीसी पंकज सैनी, सर 100% कॉलेज मिलेगा। हरिओम बघेल 379 एमबीसी, बिल्कुल डेडलाइन पर है सर फिर भी काउंसलिंग करानी है, पूरे चांस से कॉलेज मिलेगा आपको। संजय बबल जी पूछ रहे हैं 400 से कम नहीं जाएगी सर, पीछे भी सर पिछली तुलना मत कीजिए, आपके बार कट ऑफ का अनुमान है कि छात्रों के मार्क्स कुछ उम्मीद से कम है, कट ऑफ 100% पिछले बार से कम रहेगी। निशांत जी धन्यवाद दे रहे हैं, निशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तनु देवासी जी 390 ओबीसी 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा आपको, गवर्नमेंट या फिर नज़दीक आपका होम डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही जाएगा। सवीन शिव जांगिड़ जी 315 नंबर, कोई चांस नहीं है सर 315 पे। रोहितास वर्मा जी 290 एससी, कोई चांस नहीं है सर। राहुल खरादी 293, सर कोई चांस नहीं है आपके भी, काउंसलिंग नहीं करानी। भागीरथ राम 276, सर कोई चांस नहीं है। रोहितास वर्मा मेरे बीएसटीसी में 285 मार्क्स, सर कोई चांस नहीं है आपके भी। ये मोलचंद वर्मा जी हैं सीकर से, तो सर कोई चांस नहीं है, काउंसलिंग नहीं करानी है। शिवलाल गादरी जी ओबीसी 374, बिल्कुल सर काउंसलिंग करानी है, डेडलाइन पर है, कॉलेज मिल जाएगा। पिंटू सिंह 343 जनरल, सर कोई चांस नहीं है, नहीं करानी आपको काउंसलिंग। नेक्स्ट कमेंट है भंवरलाल जी की तरफ से 272, सर कोई चांस नहीं है, काउंसलिंग नहीं करानी है। अगली जो कमेंट है विनोद मेहरा जी, सर ओबीसी की कट ऑफ, विनोद जी ओबीसी की कट ऑफ कन्फर्म 390 प्लस रहने वाली है,
इनके 307 मार्क्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप है, काउंसलिंग करानी है सर, चांसेज हैं क्योंकि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, ऑल राजस्थान ऑप्शन आपको रखना है। ये कुछ साथी हैं जिन्होंने, अजीत जी हैं, आरती पंवार जी हैं, इन्होंने अपने रोल नंबर दिए, शायद ये रिजल्ट नहीं देख पाए थे, शायद अब देख लिया होगा, नहीं भी देख पाए तो कमेंट में ज़रूर बताना, रिजल्ट भिजवाया जाएगा सर आपका। सत्यनारायण धाकड़ जी 392 मार्क्स ओबीसी, सर आपको 100% कॉलेज मिलेगा। जूझाराम जी कट ऑफ क्या रहेगी ओबीसी कट ऑफ, ओबीसी 390 प्लस सर। नोखा की आवाज़ बीकानेर ओबीसी 376 कॉलेज मिलेगा सर, कट ऑफ डेड लाइन 9 पर है, आप फिर भी आप काउंसलिंग करवाइए, चांस हैं आपको कॉलेज मिल जाए। तो साथियों आज इस वीडियो में हमने प्रयास किया, इस कट ऑफ के महासर्वे के पार्ट वन और पार्ट टू, इन दोनों को आप ज़रूर देखिए, आपको अनुमान हो जाएगा कि लगभग विद्यार्थियों की परीक्षार्थियों की क्या परेशानियां हैं। राजस्थान के प्रत्येक परीक्षार्थी की आवाज़ कि अब केवल लगभग 20 मार्क्स की कटौती, अनुमान से इतने मार्क्स कम आए हैं। साथियों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, साथ ही यदि आपकी और किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारी अगली आने वाली जो वीडियो है जिसमें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की लाइव प्रोसेस आपको बताई जाएगी, रजिस्ट्रेशन में महाविद्यालय आवंटन में होने वाली गलतियों से बचने के लिए साथियों इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। और साथियों यदि आप प्रत्येक अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जिससे हमारी एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले।